जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एचपी टेट की प्रीवियस ईयर की सीरीज में। आज मैं आपके लिए क्लास थ्री एक बार फिर से लेके आया हूँ। डेली शाम 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। सो इम्पोर्टेंट सीरीज हमने ये चलाई है क्लास थर्ड आज आपकी रहेगी, जिसमें एक बार फिर से 25 से 30 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे रहेंगे 2012 से लेके 2024 के एग्जाम तक। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? Which of the following is not a fine motor skill? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि फाइन मोटर स्किल में काउंटर नहीं किया जाता है? जैसे कि वस्तुओं को पकड़ना, उनको कैच करना, उसके अंदर बटन लगाना, शर्ट में बटन लगाते हैं वो, उसके अंदर कूदना इनकी जंप करना, और उसके अंदर भोजन करना यानी कि खाना खाना ईटिंग। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक मोटर स्किल का, एक फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहां पे रहेगा जंपिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सोशल एनवायरनमेंट? सामाजिक परिवेश से क्या समझा जाता है, उसका मतलब क्या होता है? और टीचर एंड सोसाइटी यानी कि शिक्षक और समाज के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है जिसमें मित्र हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है सिर्फ माता पिता और जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको बताया जा रहा है, या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका एचपी टेट 8 सितंबर 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिसमें हमारी फैमिली भी आती है, हमारे पड़ोसी आते हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सारे ही आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी समूह से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि पीयर ग्रुप का मीनिंग इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है। एक व्यवसाय में जो कार्य करते हैं लोग, यानी कि जैसे कोई एक टीम है, एक स्कूल है, वहां पे टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक व्यवसाय में एक एम्प्लॉय है कहीं के, तो उसको पीयर ग्रुप कहा जाता है। या फिर फ्रेंड्स को कहते हैं, दोस्तों को, पारिवारिक सदस्य और संबंधी जो भी हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं फैमिली के, उसको कहा जाता है। या फिर ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों जो एक बिजनेस में इकट्ठा काम कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड। तो पेयर ग्रुप जो है वो ए और बी दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये आपका दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता क्या होती है? आपको बताना है कि जब बेबी जो है वो डेवलप होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आती है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो उसकी मेंटल एबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, ये आपको बताना है। क्या वो ग्लोब हो जाती है, बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है? उसके बाद बोला है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑप्शन बी ये बोल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। थर्ड बोल रहा है कि सिर्फ डिक्रीज होती है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी, ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेंटल ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। देखिए, जब भी किसी का जन्म हुआ, कोई छोटा बच्चा है 0 साल से, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग हुई मंथली, 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल 5 साल, तो उस तरीके से उसका जो मेंटल एबिलिटी है, उसका मेंटल स्टेटस है, वो हमेशा एक प्रोग्रेस की फॉर्म में आगे जाता है। इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। एचपी टेट सितंबर 2018 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ आपसे यहां पे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का रहता है, जून 2019 में, और फरवरी 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यानी कि इंटेलिजेंसी, सिर्फ बुद्धि का विकास होना। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों का विकास होना, यानी कि उनकी स्किल के बारे में थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। और फोर्थ है कि पर्सनल डेवलपमेंट, जब बच्चे की होती है तो उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। इसकी जो थ्योरियां हैं,
इसकी जो थ्योरियां हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पैवलोव ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है, उसके बाद और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन थ्योरियों के बारे में कहा था। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, माइंड से रिलेट करता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि द स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ, जब अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब से लेके डेथ तक, जब उसका जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब से लेके तब तक उसमें जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज, ये तो हम बोल नहीं सकते। उसके बाद है स्टडी ऑफ डेथ, तो सिर्फ डेथ के बारे में भी नहीं हम बात कर सकते। उसके बाद है यहाँ पे डेवलपमेंट साइकोलॉजी बोल सकते हैं, और उसके बाद सोशल साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी को उतना प्रेफर नहीं किया जाता जिसमें डेवलपमेंट साइकोलॉजी को जितना ज्यादा प्रेफर किया जाता। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट 2013 के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे फिट होता है। ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कि जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिर्फ एक जैसे, सेम टू सेम। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है, अपने अंदर उसकी एक यूनिक एबिलिटीज होती है। थर्ड ये बोलता है कि कुछ बच्चे जो है वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, यानी कि सेम टू सेम। तो यहां पे बात की जा रही है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पे अगर चाइल्ड साइकोलॉजी को देखा जाए तो आप किसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। सो यहां पे हमारा राइट आंसर रहेगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। जो जितने भी बच्चे हैं, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो जो 50 बच्चे उनकी अपनी अपनी क्या होगी, यूनिकनेस होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीटेड हुआ है, टीजीटी जून 2019 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, उसके बाद फरवरी 2016 जो कि टीजीटी का एग्जाम था, उसके बाद एचपीटेट आर्ट्स फरवरी 2016 में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि ग्रेजुअली जब डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की तो उसका मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। जब बच्चे की ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहला है रैपिड ग्रोथ, यानी कि बिल्कुल तेजी से उसकी ग्रोथ हो जाती है। सेकंड है ग्रोथ दैट इज इररेगुलर, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं होती है, अनियमित हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद है विकास जो नियंत्रित चले, यानी कि कॉन्टिन्यूस वे में कोई ना कोई उसकी ग्रोथ होती रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 2019 में जून और नवंबर 2019 का ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस वे में बच्चे की होती रहती है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विकास का क्रम क्या है, द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का क्रम क्या है, इसमें पूछा गया है आपसे, नियर टेल ओरिएंटेड होता है, फार मेयर ओरिएंटेड होता है, टेल हेड फेसिंग होता है, ये नियर डिस्टल फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग होता है। देखिए ऑर्डर जो होता है डेवलपमेंट का वो हमारा चलता है नियर से दूर, समीप से दूर चलता है, यानी कि कम से ज्यादा चलता है, तो नियर टू फार चलेगा। ये सबसे पहले चीज कौन सी आएगी, नजदीक वाली, सबसे पहले नजदीक वाली चीजों को बच्चा सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ है वो कहां तक चली जाती है, काफी दूर तक चली जाती है। ये क्वेश्चन एचपी टेट 2018 में आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, Which of the following is a theory of development? ये आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल इसका है, सिद्धांत है, कौन सी थ्योरी फिट है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, यानी कि एक दूसरे से थ्योरियां रिलेट नहीं करती है, तो ऐसा तो है नहीं। अब जितने साइकोलॉजिस्ट हैं
उन्होंने जो थ्योरियां दी वो सारी की सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद बोला कि हमेशा लीनियर होता है, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल कुछ इशू आ जाते हैं, मेंटल इशू आ सकता है, फैमिली इशू आ सकता है, जिस वजह से हम उसको लीनियर नहीं बोल सकते। थर्ड है, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये चीज यहाँ पे बोली गई। और लास्ट बोला कि विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यही है। डेवलपमेंट जो है वो हर किसी पर्सन की उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से, उसके कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से ही प्रॉपर वे से चलती है। तो हर किसी पर्सन में ये अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन जून 2019 का आपसे पूछा गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग क्यों होते हैं व्यक्ति, एक दूसरे से अलग अलग क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपका जून 2019 में पूछा गया है। वातावरण के प्रभाव के कारण, यानी कि एनवायरमेंटल का कोई फैक्टर रहता है, इशू रहता है। उसके बाद है इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई उसके कारण, या फिर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी या एनवायरमेंट का कोई फैक्टर रहता है। और थर्ड है कि जो पेरेंट्स से हमें जीन मिलते हैं वो एक मेन रीजन है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हेरिडिटी, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी में बेसिकली तीन लॉज जो है वो फॉलो किए जाते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ एक्शन, आपने पढ़े हो कैसे, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है। तो ये आपके तीन बेसिक लॉज जो है वो हेरिडिटी के हैं, और इसके हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरमेंट का भी मेजर रोल इसमें रहता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख जाती है, जबकि उसकी एक सहेली है लीना, उसे सीखने में ज्यादा समय लगता है। दो बच्चे हैं, एक है सीमा और एक है लीना। सीमा जो है वो जल्दी सीख जाती है और लीना जो है वो थोड़ा ज्यादा समय लेती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो हम डेवलपमेंट के कौन से सिद्धांत को यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि जिसकी वजह से फिट हो रहा है? सबसे पहला इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकोलॉजी का जो फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही से स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का चाइल्ड साइकोलॉजी में। उसके बाद है अता संबंध, निरंतरता, और उसके बाद है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो देखिए, हर कोई बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक है, हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटीज हैं, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे फरवरी 2013 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही फिट होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द हेड थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब उसका ब्रेन, ब्रेन जो है यानी कि उसका सर जो है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, तो किस तरीके से वो डेवलप जो है वो प्रॉपर ढंग से होगा, ये चीज यहाँ पे बोली गई कि उसका जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि हेड से टॉप की तरफ, उसके बाद पैर से हेड की तरफ, या फिर उसका जो सेंटर पार्ट है जैसे पेट है, स्टमक, उससे वहां से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बच्चे का, किसी छोटे बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो हमेशा सिर से पांव की तरफ जाती है, हेड से फुट की तरफ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2019 में दो बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अब जो अपकमिंग आपका एग्जाम है उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि हेरिडिटी इज द टोटल सम ऑफ अ पर्सन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसने कहा था? सबसे पहले है डगलस एंड होलैंड, बीएन झा, पीटरसन, या फिर वुडवर्न। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन बी बीएन झा ने ये स्टेटमेंट जो थी वो दी थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हिमाचल टेस्ट में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, हु आर कंसीडर एज द बेसिक कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, पेरेंट्स से जो है वो बच्चों में गुण जाते हैं,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का मेन मूल संवाहक क्या है, यानी कि कौन सी चीज है जो उसमें ट्रांसफर की जाती, कैरी किसको किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, फिर है जीन, फिर है विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये 2013 का क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जीन्स को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीन किसके बने होते हैं। अब जीन्स को तो ट्रांसफर कर लिया एक पर्सन से दूसरे में, यानी कि जनरेशन वाइज होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी में, दूसरे से तीसरी में। अब ये जो जीन्स है वो बने किसके होते हैं ये आपको बताना है। हमारे जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के, उसके बाद क्रोमोसोम, फिर आरएनए या फिर स्पर्म के। तो ये जो है राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए के जीन जो है वो बने होते हैं। ये क्वेश्चन जून 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है, जेबीटी के टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है, कितने गुणसूत्र होते हैं ये जून 2021 में। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपका जून 2024 के एग्जाम में भी, टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में नॉन मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ईच एक्स सेल कंटेन आर वन क्रोमोसोम, तो कौन सा क्रोमोसोम होता है वो आपको बताना है। एक्स है, वाई है, XX है या फिर बाय बाय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनुवांशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो दूर दूर रखकर पाले गए समरूप और भारतीय यमज के व्यवहार को हम किस प्रकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कि जब हम भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय यमज स्वरूप समरूप यमज की अपेक्षा समान विभाग के व्यक्त करेंगे। यानी कि ट्विंस की बात की जा रही है, जो ट्विंस होंगे वो सेम तरीके के होंगे, बाय फेस तो उनका वैसा ही है, ठीक है, लेकिन क्या उनकी उनके जो बिहेवियर वो भी सेम होगा, तो वैसा तो जरूरी नहीं है, बिहेवियर में चेंज आ सकता है। उसके बाद है, दोनों प्रकार के यमजों में यमजों के व्यवहार में बहुत कम समानता होगी, नहीं समानता तो है, ठीक है, कम भी हो सकती, इक्वालिटी भी हो सकती, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। उसके बाद है कि समान व्यवहार व्यक्त करेंगे, हाँ तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये सेम बिहेवियर जो है वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम मैच देन अ गर्ल इन बोन, यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर लड़की का जन्म होता है तो उसमें कौन से क्रोमोसोम होने चाहिए, एक्स वाई, बाय बाय, बी बाय या फिर एक्स एक्स। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, जब भी किसी लड़की का जन्म हुआ तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम का होना जरूरी है, अगर मेल है तो फिर उसमें आएंगे एक्स और वाई। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों एक्स और वाई गुण किसमें पाए जाते हैं, तो जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ मेंस में। अगर फीमेल की बात की जाएगी तो एक्स और एक्स आएंगे, और मेल की बात की जाएगी तो एक्स और वाई यहाँ पे क्रोमोसोम आएंगे। ये 2016 का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका में 46 क्या होते हैं जो कि अनुवांशिक जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, यानी कि जो चीजें ट्रांसफर की जाती हैं वो क्या हैं। तो अभी मैंने बता दिया वो हैं गुणसूत्र, उनको हम बोलते हैं गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो राइट आंसर आएगा 46। अगर पेयर के फॉर्मेशन में पूछा जाएगा तो राइट आंसर आएगा 23, यानी कि जोड़े पूछे जाएंगे तो 23 पेयर जो है वो क्रोमोसोम के होते हैं, जिसमें से 22 जो है वो मेल फीमेल के कॉमन चलते हैं। मेल में एक जो है वो आ जाता है यहाँ पे एक्स और वाई, और फीमेल में एक जो है वो आ जाता है एक्स और एक्स। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पर्म आर देयर इन अ ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग, कितने
यहाँ पे फियर्स की बात की जा रही है। तो जस्ट अभी मैंने बता दिया अगर क्रोमोसोम आएंगे तो 46 टोटल पूछे जाएंगे तो 46 और अगर पेयर में पूछा जाएगा तो राइट आंसर आएगा 23। ये क्वेश्चन फैम 2013 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द पिक्चर ऑफ अ होर्स यानी कि घोड़े की तस्वीर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सिंबॉलिक को, डायरेक्ट और रियल स्टिमुलस को, या फिर उसके बाद है इंडिकेटिव स्टिमुलस या फिर डिक्लेरेटिव स्टिमुलस को। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पिक्चर की बात कर रहे हैं, हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एक सिंबल। आपके सामने पिक्चर दिख रही है जिसका मतलब ये क्या हुआ, एक सिंबॉलिक स्टिमुलस हुआ। मैंने आपको एक पिक्चर बताई तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक स्टिमुलस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये फरवरी 2016 में पुराने पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं, यानी कि जब बच्चों के ऊपर कोई चीज स्टडी की जाती है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए वो क्या चीज जो है वो हिस्सेदारी करते हैं, कौन सी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे जैसे जुड़वा गोद लिए दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को निभाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा गोद लिए, ऑप्शन नंबर बी अडॉप्टेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे शरीर चरित्र मूल्य विचार व्यवहार कौशल इत्यादि में क्यों अलग अलग होते हैं, किस कारण बच्चों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों की, वैल्यूज हैं, थॉट्स हैं, बिहेवियर हैं, स्किल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। फर्स्ट है ड्यू टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन की वजह से। थर्ड है ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी कि अनुवांशिक और परिवेश की वजह से। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। देखिए हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस किस कारण हो सकता है, फर्स्ट इज एक तो एनवायरमेंट और दूसरा है हेरिडिटी। सबसे पहले हेरिडिटी जो कि पेरेंट्स से हमें गुण मिलते हैं उसमें हो सकता है डिफरेंस, या फिर जो एनवायरमेंट है उससे भी हमें डिफरेंस मिलने को देखने को मिलता है। अगर कोई ट्विन्स भी हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से पूरी तरह से मैच नहीं करती, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।